लेफ्ट लेफ्ट बच्चा, लेफ्ट बोला है मैंने, सीधा चलना है। मैं लेफ्ट और क्या बोल रहा हूँ। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? सत्यम। कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? नाइन्थ। ओके तो दोस्तों आज मैं इनको लेके आया हूँ नाइट के ट्रैफिक में। अभी तक इनको मैंने डे में सिखाया है, बट अभी मैं लेके आया हूँ नाइट के ट्रैफिक में, और नाइट के ट्रैफिक में कार को कैसे चलाना चाहिए तो वो आज मैं आपको बताऊंगा आप लोगों को, कि बम्फर टू बम्फर कार कैसे चलती है। क्योंकि अभी देख रहे हैं आप गाड़ियाँ कितनी चल रही हैं यहाँ पर, कितनी फास्ट और कितनी सारी गाड़ियाँ एक लाइन से चल रही हैं। गियर टाइमली चेंज करते रहना अपने आप अपने हिसाब से स्पीड के अकॉर्डिंग, हाँ, ताकि आपको पता भी चलता रहे कि आपकी गाड़ी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आपको ड्राइविंग पूरी तरीके से आ गई, बाकी जो छोटी छोटी बहुत सारी बारीकियां हैं वो चला चला के आएंगी। बट यहाँ पे देखो फाइव लाइन का रोड है, तो फाइव लाइन के रोड में ना कभी भी लहराना नहीं होता है आपको, ठीक है। स्पीड बढ़ा लो, हाँ, जिस लाइन में उसी लाइन में रखना, क्योंकि आपके लेफ्ट से बस निकल रही है, जिस लाइन में उसी लाइन में रहना। एम्बुलेंस है क्या? राइट दबा लो थोड़ा, राइट, हाँ जाने दो उसको, राइट दबा लो, हाँ स्लो कर लो उसको, निकल जाने दो, स्लो करो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। चलते रहो धीरे धीरे, चलते रहो धीरे धीरे, हाँ। अब कंट्रोल करना अपने हिसाब से, ठीक है। अगले चौराहे से हमें राइट लेना है, कहाँ लेना है? अगले चौराहे से हमें राइट लेना है। मैं सिर्फ चौराहों को क्रॉस करवाने के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगले चौराहे से राइट टर्न करना है, गाड़ी अपनी राइट ही रखना, ज़्यादा लेफ्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में रहो। अब यहाँ पे थोड़ा बम्फर टू बम्फर कार चलेगी, रोकना बढ़ाना, रोकना बढ़ाना, रोकना बढ़ाना, और फर्स्ट गियर कर लोगे तो ज़्यादा सुखी रहोगे, क्योंकि रेड लाइट हो गई है। और रेड लाइट पे, जब ऐसी रेड लाइट पे हम कार को रोकते हैं तो ब्रेक से पैर नहीं हटाते, कुछ लोग क्या करते हैं कार को न्यूट्रल कर देते हैं तो ब्रेक छोड़ देते हैं। तो ऐसे में अगर चढ़ाई पे होगी तो गाड़ी पीछे चली जाएगी, ढलान पे होगी तो गाड़ी आगे चली जाएगी। रेडी हो जाओ एकदम, इस गोल चक्कर से हमें राइट टर्न करना है। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। इसी ऑटो के पीछे रखो, डिसबैलेंस मत करना। यहां से हमें राइट चलना, स्लो करके, स्लो। जब एक गाड़ी निकल रही है तो क्यों घुस रहे हो भाई? थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। रेड लाइट वगैरह पे जब भी हम कार रोकते हैं तो हल्का सीधा चलना, हल्का एक्सीलेटर लेके। चलो जाने दो धीरे धीरे, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना है, ठीक है, जो अचानक आ जाते हैं। वही तो, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। चलो अभी स्पीड मेंटेन करो, थर्ड गियर डालो, गुड। और क्लच वाला जो पॉइंट मैंने बताया ना, उसको बहुत ध्यान से समझना है। अगर देखो लॉन्ग लाइफ तक मैं ड्राइविंग सिखाता हूँ तब मेरी गाड़ी की क्लच फिलिटी 50,000 एक एक लाख किलोमीटर चलती है, और नॉर्मल तो दो दो लाख किलोमीटर चल जाएगी। जो नए नए लोग सीखे, बहुत सारे लोग सालों से चला रहे हैं फिर भी उनकी कार की क्लच फिलिटी 15,000-20,000 किलोमीटर भी नहीं चल पाती है, क्योंकि क्लच का बहुत बड़ा रोल होता है भाई, समझ रहे हो।
क्लच से ही गाड़ी माइलेज देती है, क्लच से ही गाड़ी में पिकअप आता है। अगर क्लच आपका सही नहीं है और क्लच दबाने का तरीका आपका सही नहीं है तो समझ लीजिए कि सब वही है। स्पीड मेंटेन करो, 40 से 60 चल सकते हो आप। जिस लाइन में, इस लाइन में रहोगे तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट इस लाइन में 40 से ऊपर ही चल सकते हो। अगर 40 से माइनस चलोगे तो फिर लेफ्ट वाली लाइन में लॉन्ग हॉर्न पुश करो, कट है यहाँ पे। हाँ चलो, अब लेफ्ट का सिग्नल दो, क्योंकि लेफ्ट से इसके ऑल्टो वाले के लेफ्ट से निकाल लो, उसको टेंशन मत दो, एकदम चुपचाप आराम से लेफ्ट दबा के निकालो। अब सिग्नल तो बंद कर दो बंधु मेरे, कब तक सिग्नल देते रहोगे? ये गलत डायरेक्शन है। फिर अब यहाँ पे रोकना है रेड लाइट पे, हल्का राइट दबा के रखो, राइट। हाँ बस, लेफ्ट आओ। हाँ डिवाइडर से ज़्यादा सटा के नहीं रोकना है। हाँ बस, ये जेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही किसने बजाया हॉर्न? चलो हल्का एक्सेलेटर लेके उठाओ। हाँ जाने दो, हमें यहाँ से राइट चलना है, राइट का सिग्नल दो, गोल चक्कर से राइट घुमाना है। हाँ हाँ मेरे भाई, राइट इसी को बोलते हैं। अभी तुमको ट्रैफिक के थोड़े से रूल्स सीखने पड़ेंगे, सीधी करो भाई। वो सीधा बोलते हैं उसको, उसको सीधा बोलते हैं, उसको राइट नहीं बोलते हैं, उसको स्ट्रीट बोलते हैं। बच्चे हैं, थोड़ा ध्यान से रोड क्रॉस कर रहे हैं। और ये हुर हुर हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? तो फिर और ओवर स्पीड नहीं होनी चाहिए। हमें नीचे चलना है, ऊपर नहीं चलना है पुल पे। पुल पे लगा है जाम, देख रहे हो, आधा घंटा यही खत्म हो जाएगा। लेफ्ट वाली लाइन में रखो, अब यहां से हमें लेफ्ट चलना है। लेफ्ट ही दबा के रखो, ज्यादा राइट मत जाओ। हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जितना लेफ्ट रखोगे उतना सुरक्षित रहोगे। अब राइट दबा के निकालो, सिग्नल दो, हॉर्न दो, निकालो स्पीड मेंटेन करके। चलो सिग्नल बंद करो, सीधा सीधा सिग्नल बंद करना होता है। अगर आप नहीं बंद करोगे तो फिर दिक्कत होगी, पीछे वाले को गलत डायरेक्शन का इंडिकेशन दे रहे हैं आप। डालो फोर्थ गियर, ब्रेक पे पैर रखो, स्लो करो। हाँ बस, जाओ बढ़ाओ स्पीड। स्लो करो, हाँ जाने दो। सारा खेल क्लच का है ब्रदर, ठीक है? अभी स्पीड ब्रेकर आया, हाफ क्लच लेके हल्का ब्रेक लेके निकालो, क्योंकि ये स्लोपिंग वाले स्पीड ब्रेकर है, वो नॉर्मल वाले स्पीड ब्रेकर नहीं है। तो यहाँ पे आप थर्ड गियर फोर्थ गियर में भी गाड़ी को निकाल सकते हो, समझ गए?
चलो स्पीड मेंटेन करो दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।